नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अतीक अहमद की 160 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुरुक कर दिया गया। आपको बता दें कि 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलने के बाद अब जिला प्रशासन ने पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद के 11 बैंक खातों को भी सीज कर दिया है। डीएम ने बैंक खातों को कुरुक करने का आदेश दिया था। IS-207 गैंग के सरगना माफिया अतीक अहमद के 11 बैंक खातों को कैंट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक प्रयागराज समेत अन्य जिलों में खुले अहमद के सभी बैंक खातों में लगभग 160 करोड़ रुपए थे, जिन्हें सीज कर दिया गया है। अब इन रुपयों को वह नहीं निकाल सकता। इसके अलावा बैंकों से अतीक अहमद के नाम से अन्य बैंक खातों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि अतीक अहमद के बैंक खातों की पड़ताल की गई, जिनमें कई खातों में लाखों रुपए जमा मिले। कुल 13 बैंक खातों में 1,60,00,000 रुपए थे। 2 बैंक खाते पहले से सीज किए जा चुके हैं। 11 बैंक खातों को सीज करने के लिए डीएम ने इजाजत